ऑक्सीजन किल्लत को लेकर फिरोजाबाद CDO नगर मजिस्ट्रेट और नगर विधायक ने कोविड सेंटर के ऑक्सीजन कंट्रोल रूम का किया उचित निरीक्षण। इस दौरान लापरवाही न होने के दिए सख्त निर्देश और ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस को वेस्टेज न होने दे ऑक्सीजन की मारामारी के बीच जिला प्रशासन और नगर विधायक ने फिरोजाबाद कोविड सेंटर पहुँच कर स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान शिकायत मिली थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर को पूरा खाली नहीं होने दिया जा रहा है। इससे पहले ही सिलेंडर को बदलकर दूसरा लगाया जा रहा है। इसको लेकर CDO नगर मजिस्ट्रेट और नगर विधायक ने सघन लेते हुए कहा कि ऑक्सीजन गैस की बचत करे वेस्टेज न होने दे। इस समय ऑक्सीजन गैस बहुत ही मूल्यवान है। इस दौरान लापरवाही न होने के निर्देश भी दिए। आज जो अपना फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज है, जैसा आप सब देख रहे हैं, लगातार पूरा जिला प्रशासन, मेडिकल कॉलेज का पूरा स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, सब लोग मिलजुल कर पूरी ताकत से इस महामारी का सामना कर रहे हैं। उसी क्रम में एक सकारात्मक पहल आज जो यहाँ करी गई है, CDO साहब और नगर आयुक्त जी और प्रिंसिपल मैडम और मैंने स्वयं यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितनी मात्रा में आना हो रहा है, उसका कंजम्पशन कितना है और इसके बीच में कहीं हमारा जो ऑक्सीजन है वो तीन तरीके से हमने यहाँ पर निरीक्षण करा है। पहला कि प्लांट लेवल पर तो हमारी कहीं लीकेज नहीं हो रही है, यानी कि प्लांट में हमको अगर 10 किलो चीज़ चाहिए तो 9 किलो तो नहीं मिल रही, 8 किलो तो नहीं मिल रही। दूसरा, प्लांट से अगर हमें पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है तो यहाँ उसका उपयोग पूरा हो रहा है, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रही, क्योंकि इस समय जब एक एक सांस की लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे देश में, उसी क्रम में इस मेडिकल कॉलेज में भी वहाँ वेस्टेज तो अक्षम्य है। और तीसरा, कहीं हमारे यहाँ पर जो प्लांट से जब ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं और उनको हम लोग ऑक्सीजन की पाइपलाइन में लोड कर रहे हैं यहाँ इस मेडिकल कॉलेज में, तो उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिलेंडर में कुछ बच जा रही है। देखिए, तीनों बातें, किसी को गलत भी साबित करना नहीं चाहते, लेकिन गलती किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करने की दशा में तीन लेवल पर ये निरीक्षण रहेगा। प्लांट से आने के बाद यहाँ पर चार्जिंग पर हमने मेडिकल कॉलेज की पाइपलाइन पे चार्ज किया, और उसके बाद जब वो सिलेंडर जाएगा तो वो खाली पूरा हुआ या नहीं हुआ इससे हमें लगता है। और उसके अलावा माइक्रो मैनेजमेंट हो, प्रति मरीज को आवश्यकता लो फ्लो, हाई फ्लो या वेंटिलेटर की है, उसका तो निर्णय तो यहाँ के सक्षम डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे। एक बात और तय हुई है कि ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, अपनी कैमरे की आँख से देख सकते हैं, तो यहाँ पर CCTV कैमरा लगेंगे और उसका 24 घंटे जिलाधिकारी महोदय, CDO साहब, प्रिंसिपल मैडम और नगर आयुक्त जी और CM साहब, इनके सबके मोबाइल पर दिखेगा कि भाई ये सिलेंडर इतना खाली हो गया और ये पूरा खाली होकर दोबारा रिफिल को गया है। इस चीज़ का पूरा कार्य करने का उद्देश्य यही है कि एक एक सांस, एक एक मरीज, एक एक कोरोना पीड़ित हमारे लिए समान व्यवहार रखता है। ऑक्सीजन की भले ही कितनी कमी हो, लेकिन पूरा प्रशासन एकजुट होकर यहाँ हर हालत में व्यवस्थाएं बनाए रखने में कृतसंकल्पित है। और मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कह सकता हूँ, बिना किसी के ऊपर आरोप आक्षेप लगाए, फिरोजाबाद सबसे नया जिला है आसपास के इलाकों में, कोई जिला नहीं होगा आसपास का। आगरा के मरीज दिन भर में 10-20 मरीज रोज आ रहे हैं, फिरोजाबाद के दरवाजे बंद नहीं है किसी मरीज के लिए। किसी भी संघर्ष, किसी भी विपरीत समय में संसाधनों के साथ साथ हौसले और जज्बे की बहुत बड़ी बात होती है, जो कि फिरोजाबाद के पूरे प्रशासन में, चिकित्सीय
प्रशासन में, यहाँ के समाज सेवियों में, यहाँ की सम्मानित मीडिया में ओवरऑल जो जज्बा है, मुझे लगता है कि मैं संतोष से कह सकता हूँ कि फिरोजाबाद बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ इंजेक्शन्स हो, या ऑक्सीजन हो, या वेंटिलेटर हो, या मरीज लौटाया नहीं जा रहा है। आने वाली समय में हम इस लड़ाई में निश्चित रूप से अपने रोगियों के साथ अच्छे से अच्छा काम कर सकेंगे। ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से मेंटेन करते हुए, इसका मिसयूज बचाते हुए अधिकतम ये मरीजों के हित में प्रयोग कर सकेंगे। ये मेरा